एक जबरदस्त कोइंसिडेंस, मैं अभी ना खेत में आपको मिर्ची दिखाने लगा था, पर फिर मुझे अंदर से अपनी भाभी की आवाज सुनाई दी है। मैं खेत में मिर्च दिखाने से पहले तो मैं आपको खेत में असल मिर्ची दिखाता हूँ। ये हमने लगा रखी बैर मिर्ची और ये हो गई पक गई पीछे। अपना खेत हो ना, लाइक उसकी चाहे कम हो गए उसकी फील बड़ी जबरदस्त होती है। और साथ ही मुझे दो अमरूद भी तोड़ने, पिछले लोग करते रहे आपने कीड़ों के लिए चेक नहीं किया, तो अब की बार कीड़ों के लिए चेक करके ये लो तोतों ने खा लिया, पर नो कीड़े। शिवानी चटोरी को रस दे रहे और ये झिलमिल भी बाहर खड़ी है। ड्यूटी नहीं है ये, मौका दिया है भगवान ने तुम्हें घर पे पुण्य कमाने का। ये हमारे बाकी के दो महारथी सो रखे, सारा दिन ये सोते हैं, सारी रात फिर मुझे सताते हैं। सारे कुत्ते सो रहे हैं यहाँ पे, हंसी सो रही है। आपको याद है हंसी क्यों आई थी यहाँ पे? स्किन इन्फेक्शन की, और अब ये यहीं रहती है। बोला कहाँ गया? ले मेरा बच्चा, हाथ घप। ओ बस बस बस, बाकियों को भी खाने दिया कर। अब ये मेरे पीछे पड़ गया देखना। अरे 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 भैया, राजकुमार को खाने दो भाई। आजा राजकुमार, ये देखो इसने क्या किया है। मैं भैंसा नहीं हूँ ना, मुझे नहीं लगाना कीचड़। ये ले वापस, अपना कीचड़ अपने पास रख। अभी नेहा और मैंने एक रील बनाएंगे। शिवानी ना कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक सुन रही थी इंस्टाग्राम पे, समथिंग काला काला। मुझे ऑफकोर्स यही ध्यान आया, भोलू क्या है। अच्छा देखिए हम मेरे कौन जीतता। ये घबरा जाता है यार बड़ी जल्दी। इतना डरपोक क्यों है तू? अच्छा सॉरी सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी। आज तो हो गई मेरी डॉग वॉक लगभग खत्म, और सामने मुझे वो दो बच्चे दिख रहे हैं, तीन बच्चे हैं। इतने पपीज अडॉप्शन के लिए आ रखे ना, अभी जैसे बघीरा अडॉप्ट हो रहा है, तो हम तब अडॉप्ट कराएंगे कि बघीरा के साथ कोई साथ में एक पपी ले, और एक पपी ये बच्चे ले जाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अरे 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 अरे, आप ऐसे डॉग से डरोगे तो फिर कैसे अडॉप्ट करोगे? ये देखो, ये है जी राधा दीदी का सुपुत्र। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? माय नेम इज आरव। आपका? माय नेम इज नितिश। माय नेम इज साक्षी। पहले मैं आपको यहाँ पे जो पपीज है उनसे मिलवाता हूँ, नहीं तो फिर हॉस्पिटल जाएंगे बड़े वाले। जा चंबी। कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। आए तो सही। यस चलो देखते हैं, नेहा को बुलाते हैं। आपको सबको सब टीके लगे हैं, और हम एकदम आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। लाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक करना हमारी, लेकिन ठीक करना फिर भगवान के हाथ में पूरा। तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? लड़का क्यों चाहिए, लड़की क्यों नहीं? दोनों दोनों, कोई भी दे दो, कोई भी दे दो, पक्का। पपी तो पपी होते हैं। ये लड़की है सुहानी, पहचान गई है कि ये राधा दीदी का लड़का है। ये लड़का है, यहाँ से कोई अच्छा नहीं लगा क्यों? इन्हें यहाँ पे तो कोई पसंद आया नहीं। जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ मैं ज्योति को फोन कर देता हूँ। अभी डॉक्टर सोनिका भी आई हैं यहाँ पे, ये रहती हैं शाहपुर में, तो मुझे लगा कि ये ना बघीरा को अडॉप्ट करने आई हैं, पर उन्होंने भी यही कहा कि इतना गर्म है। राइट एग्जैक्टली। तो मेरे पास एक चाव चाव है, ये जो पीछे yes. ये तो पूरा कारपेट है, ये एक्चुअली मैं घूमिंग के लिए लेके जा रही थी। द थिंग वाज दैट कि ये यहाँ का वेदर बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर पाया, तो टिबेटन मास्टिफ तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा यहाँ का वेदर टॉलरेट। कल कमेंट्स में कई लोग कह रहे थे हमने अलवर में रखा हुआ है, आपने हो सकता है रखा हुआ हो, लेकिन वो बेचारा बहुत ज्यादा पैंटिंग होती है। डिड नॉट ईट फूड फॉर वन होल वीक, लाइक शिमला, ही लव्ड शिमला, ही लव्ड द स्नो एंड एवरीथिंग। भाई एक आध दिन आपका डॉग खाना नहीं खाता चल जाएगा, इनका भी व्रत है तो ठीक ही रहता है, पर हफ्ता तो टू मच है। हाँ भाई ले ली अंगड़ाई, हम तेरे लिए नया शिकार लाए हैं। विजय दरवाजा बंद है। अरे आप भागो मत, वो सूंघ रहा था आपको। बाबा रे आ गए हैं जी वो पपी लेके, वहीं से उनको छोटू पपी पसंद आया है। ओहो मेल है फीमेल? फीमेल। नाइस, तो इसकी सर्जरी हम कर देंगे। क्या नाम रखा है? शेर। वाह अरे तो अच्छा है, वो जेंडर रूल्स बेंड कर रहे हैं। अगर ये बीमार हो जाए, कि आपको लगे ये बीमार है, तो आपको पता है ना हमारा हॉस्पिटल कहाँ है, तो आप फटाफट से लेके आ जाना इसको। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है जी। मैं वॉक पे जब जाता हूँ ना, तो इनका घर हमारे रास्ते में है, तो मैं शेर से मिलता रहूंगा। भैया घुमा सकते हैं एक बार? पहले घर में घुमाओ, सड़क पे नहीं। छोटा आदत डालनी पड़ेगी। गाँव के खूब सारे बच्चों से मेरी बनती है, दो तीन तो वो जिनसे अभी आप मिले। और हाय कैसे हो, टेडी कहाँ है? इन्होंने भी हमसे एक डॉग अडॉप्ट कर रखा है, वो पीछे काले वाली टेडी।
और ये इनकी स्ट्रे पेट है। इसका क्या नाम रखा है आपने? हमारे चम्मी पे। मैं इस समय हॉस्पिटल के बाहर वाली साइड पे हूँ। मैंने कहा था ना कि भाई धान कटना शुरू हो जाएंगे तो हम अपनी हेज की जो है थोड़ी ट्रिमिंग कर देंगे, क्योंकि एक तो साथ वाले जो चचा है उनके खेत में शैडो आ रही थी तो वो भी ठीक हो जाएगी, प्लस अब हमें यहाँ पे बाउंड्री वॉल लगानी है। पहले तो हम चल नहीं सकते थे खेतों में। ज्योति भी आ गई। यार ये बघीरा ने थोड़ा पता लग गया आपको? इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो जस्ट सूंघ रहा था तो वो बहुत डर गया और ये एक्साइट हो गया, तो इसने काटा कूटा कुछ नहीं। उसकी जैकेट फट गई है, उसको को जैकेट अभी सर्दियों में अपन कर देंगे। दोनों की गलती नहीं है, वो डरे क्योंकि हाँ भाई साइज बड़ा है डॉग का, ये थोड़ा और एक्साइटेड हो गया। यही है ना कि हम लोग डॉग बिहेवियर नहीं समझ रहे। अगर हम कुत्ते को देख के आ करके भागेंगे तो वो तो पीछे भागे, एक्साइटमेंट। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई डॉग लवर हूँ, मैं इसलिए कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आप भालू भी देखोगे, आप जंगल में हो तो आप तरीके से आप बिहेव करोगे ना, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। चम्बी मैं ना दो कानों में तेरा सर कर दूंगा, चुप नहीं हुई तो। चुप। कुत्तों को ना थोड़ा बहुत तो भाई कई बार धमकाना पड़ता है, चाहे खाली पीली की धमकी हो। कुत्ते हमारे शब्द समझे ना समझे, हमारी टोन समझ जाते हैं। अब दो कानों में सर कर देने का कोई मतलब थोड़ा है। आज का दिन बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, धान पक गए हैं, उनकी कटाई हो गई है। ये जो टीला सा आप देख रहे हैं ना हमारे अस्पताल के आगे, ये है पराल यानी कि राइस स्ट्रॉ। तो इसका ये ढेर इसलिए लगा रखा है कि अगर बरसात भी गिरेगी तो इसके अंदर नहीं जाएगी, लेफ्ट राइट हो जाएगी और ये सड़ेगी नहीं। पराल हम इस्तेमाल करते हैं बेडिंग के लिए गाय बैल की, और फिर हम उनको खिला भी देते हैं। ये पराल पराल की बनने लगी है बड़ी बड़ी ईंटें जिन्हें कहते हैं स्ट्रॉ बेल, जैसे अमेरिका में बनती थी। और ये जो स्ट्रॉ बेल है इससे आप सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, गूगल करिएगा। आपको लूफी याद है जो बघीरा को देख के इतना घबरा गया था कि हमें लगा था इसको हार्ट अटैक हो जाएगा? इसको रिकेट्स की प्रॉब्लम है, वैसे टांगे सीधी इसकी पर जब वेट ले रहा है ना तो टेढ़ी जा रही है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए साहिल स्प्लिंट बना रहा है। साहिल ने बांस काटा है, बांस के ऊपर रुई लगाई है, रुई के ऊपर पट्टी बांधी है और अब इसको टेप से फिर ऊपर से करेंगे। तो आप ये घर पे नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, कोई जिसको वेटनरी अनुभव हो वही कर सकता है, पर अगर आपके डॉग के पैर आगे से टेढ़ा होना शुरू हो जाए यानी कि वो रिकेट्स की शुरुआत है तो उसको D3 की डेफिशिएंसी है, तो आप किसी वेट से बात करके इसको इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, या तो D3 से या स्प्लिंटिंग या दोनों। अपनी रीच बढ़ाने के लिए ना हम ट्रेंडिंग गाने पे एक रील बना रहे हैं। ये हमारी मॉडल है, ये हमारे वीडियोग्राफर है और ये हमारा शूट होने वाला है। फाइनली मैंने आपको कहा था ना कि इन बेड्स में हमने डाला है गोबर जिससे हम डिलीशियस लहसुन बनाएंगे, अब वो तैयारी शुरू है। मैं आपको पहले तो दिखाता हूँ हमारे पास जो हमारा लहसुन का बीज बचाया हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये सारा छोटा छोटा है, ये गलत है बीज, अभी हो जाती मिस्टेक। विपिन भैया कहाँ है? विपिन भैया काउच में। जब से क्लिनिक यहाँ से शिफ्ट हो गया तो मेरे पास बंदे हो गए कम, तो गाय जो है वो विपिन भैया देख रहे हैं। अब विपिन भैया को मैंने एनिमल एरिया से चुराया है, ये जाएंगे खेत में। ये मोटू लहसुन ये हमारा बचाया हुआ है, 8 वेट लहसुन के, एंड भगवान ने चाहा तो अब की बार भी हमारा क्विंटल लहसुन निकल आएगा। पिछली बार तो बारिश ने सारा कार्यक्रम कर दिया खराब।